नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। विक्टिम इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसे देखो, एक टर्म है एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जाती है। प्रोजेक्ट इस्टैब्लिश होने से आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचेगा, उसी प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिए विक्टिम इंपैक्ट असेसमेंट को। किसी क्राइम सेम विक्टिम को यानी पीड़ित को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, पीड़ित की लाइफ किस प्रकार से प्रभावित हुई है, इस चीज़ को कहा जाता है विक्टिम इंपैक्ट असेसमेंट। 2018 में एक केस सामने आया, मल्लिकार्जुन कोडागिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा विक्टिम इंपैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए ताकि जजेज एप्रोप्रिएट सजा सुना सके अपराधी को। हमारे देश में देखो 2009 तक विक्टिम नाम का कोई वर्ड क्रिमिनल लॉ में था ही नहीं। इसे 2009 में क्रिमिनल लॉ में ऐड किया गया। जब देखो हमारे देश में किसी क्राइम का ट्रायल चलता है तो विक्टिम को विक्टिम नहीं माना जाता, विक्टिम को माना जाता है विटनेस। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है ए और दूसरे पर्सन है BCDE। बी सी डी ई, इन चारों पर्सन्स ने ए को मारा पीटा, जिसकी वजह से ए की एक टांग टूट गई, यानी परमानेंट डैमेज हो गया ए की एक लेग में। ट्रायल चलेगा क्राइम का। अब देखो बी सी डी ई एक्यूज्ड हैं, लेकिन ट्रायल में ए को विटनेस माना जाएगा, विक्टिम नहीं माना जाएगा। इस पूरे क्राइम में पुलिस की, प्रोसिक्यूटर्स की, कोर्ट्स की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ए के लिए, जबकि ए आपको पता है इस केस में विक्टिम है, इनकी टांग परमानेंटली डैमेज हो चुकी है। ए को कई तरह का लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, साइकोलॉजिकल लॉस, फिजिकल लॉस, लेकिन फिर भी पूरे ट्रायल के दौरान पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, कोर्ट्स ए को प्रतिकूल ढंग से ट्रीट करते हैं, इग्नोर किया जाता है ए को जो कि विक्टिम है। पूरा ट्रायल एक्यूज्ड सेंट्रिक होकर चलता है। ट्रायल प्रोसेस इस प्रकार से ऑर्गेनाइज होती है। केस के जो प्रमुख स्टेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल, जब एक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जाता है या फिर एक्यूज्ड को बेल दी जाती है, एक्यूज्ड के लिए पैरोल को कंसीडर किया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है एक्यूज्ड को, इन सभी प्रमुख ओकेजन्स पर विक्टिम की यानी पीड़ित की अपीयरेंस रिस्ट्रिक्टेड होती है। यानी इन सभी ओकेजन्स पर पीड़ित मौके पर मौजूद नहीं हो सकते, जबकि एक्यूज्ड इन सभी मौकों पर मौजूद होंगे कोर्ट में। इवन क्राइम को रजिस्टर किया जाता है आईपीसी सेक्शंस की फॉर्म में, जैसे सेक्शन 302, 307। विक्टिम की लाइफ किस प्रकार से प्रभावित हुई है कुछ नहीं पता लगता इन नंबर से। सभी क्राइम्स सभी विक्टिम्स को एक प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं। देखो इवन सेम क्राइम भी अलग अलग विक्टिम को अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। प्रोसिक्यूटर के द्वारा जज को बताने की कोशिश की जाती है कि पीड़ित पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है इस क्राइम की वजह से। जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी बार वकील मांग करते हैं कि पूरी फैमिली की जिंदगी तबाह हो गई है, इसलिए एक्यूज्ड को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इवन जज भी अपने नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि क्राइम कितना ज़्यादा संगीन है, क्या इसके परिणाम हुए हैं। लेकिन देखो, ना सिर्फ वकील बल्कि जज भी पूरी तरीके से विक्टिमाइजेशन नहीं समझ पाते, मतलब किस प्रकार से विक्टिम पर असर हुआ है क्राइम का, उसे पूरी तरह से समझ पाने में जज और वकील इनकैपेबल हैं। इसी से संबंधित देखो एक डिक्लेरेशन भी है यूएन की, 1985 की, डिक्लेरेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर। इस डिक्लेरेशन का मकसद था क्राइम के जो विक्टिम्स हैं उनको एम्पावर करना, क्रिमिनल प्रोसेस में रिफॉर्म्स लेके आना। और इस डिक्लेरेशन का फायदा यह हुआ
सिस्टम में काफ़ी तरह के राइट्स, काफ़ी तरह की प्रोटेक्शन, काफ़ी तरह की असिस्टेंस और काफ़ी तरह की पार्टिसिपेशन इंश्योर हुई विक्टिम्स की सिस्टम में। इसी डिक्लेरेशन ने आह्वान किया था कि ट्रायल स्टेज में विक्टिम्स को एक वॉइस प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी बता सकें कि क्राइम से मुझ पर क्या असर हुआ है, विक्टिम्स भी अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकें। और देखो, इन्हीं सब चीज़ों का आंसर है विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट। होता क्या है विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट में, ये देखो, या तो एक ओरल स्टेटमेंट होती है या फिर रिटन स्टेटमेंट होती है विक्टिम की तरफ से या फिर विक्टिम के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की तरफ से। वो बताते हैं अपने ओरल स्टेटमेंट्स की सहायता से या फिर रिटन स्टेटमेंट की सहायता से क्राइम ने पीड़ित को किस प्रकार से प्रभावित किया है, पीड़ित की किस किस डायमेंशन में लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जजेस के सामने उपलब्ध नहीं हो पाती, लेकिन सीधा सीधा ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर जजेस के पास आएगी तो वो और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से ये डिसाइड कर सकेंगे अपराधी को कितनी सज़ा देनी चाहिए। आगे आर्टिकल में एग्जाम्पल दिया जाता है किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सौंपी जा सकती है विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट में, जैसे कितने वेजेस का लॉस हुआ है, मेडिकल या फिर काउंसलिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डैमेज टू प्रॉपर्टी, और इवन कंपनसेशन की रिक्वेस्ट भी की जा सकती है विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट में। दो फायदे देखो सीधा सीधा इसके ये होंगे, एक तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फिक्स्ड पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, जजेस को स्केल दिए हुए हैं कि इस क्राइम के लिए आप 7 से 10 साल के बीच की सज़ा दे सकते हो, इस क्राइम के लिए आप 10 से 14 साल के बीच की सज़ा दे सकते हो, इस प्रकार के स्केल प्रोवाइड किए हुए हैं जजेस को, और ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप में सारी इन्फॉर्मेशन जजेस के पास होगी तो वो बेहतर ढंग से डिसीजन ले सकेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा फाइनल सजा सुनाने से पहले जज एक्यूज्ड का पक्ष सुनते हैं, एक्यूज्ड काफ़ी बार बोलता है कि मैंने समाज के लिए अच्छा काम किया है और मेरा ये पहला क्राइम था इसलिए मुझे कम से कम सज़ा दी जाए। लेकिन हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विक्टिम को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। सोच के देखिए, जिसके खिलाफ क्राइम किया गया है उसको नहीं सुना जा रहा है, लेकिन जिसने क्राइम किया है उसके पक्ष को सुना जा रहा है। इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आना चाहिए ताकि और बेहतर ढंग से जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।